नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, बच्चे उठ गए हैं, तैयार होने लग रहे हैं। कृष्णा थोड़ा लेट जाएगा तो उसको अभी हमने उठाया नहीं है। और यानी क्या चक्कर है ना, कुछ है ना ऑटोमेटिक ये इन्होंने सारा सामान निकाल रखा था, तैयारी कर रखी थी अपनी कि मंदिर ऐसे सजाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और तबीयत जब साथ नहीं देती तो फिर क्या करें। कल की इसकी तबीयत हो रही है डाउन बहुत ज्यादा, और आप भी हिम्मत करके उठी है, क्योंकि बच्चों को तो भेजना ही है, छुट्टी करा के तो कोई फायदा नहीं है। और ये सोचा हुआ आपका हमने पहले से ही कि बच्चों की कोई भी कोशिश ये रखनी है कि परमानेंट बच्चे जाएं, कोई इनकी छुट्टी ना कराए बिल्कुल। तो यहाँ पे खाने में इनके क्या बन रहा, सैंडविच के लिए ये हो रहा है मसाला तैयार। इधर आलू के पराठे तो मैंने सैंडविच के लिए कर दिया। अब तो तैयार ही होगी, अब बेटा सारा चेंज कराएगी। अब तो चेंज तो कुछ नहीं, आटा उटा बनाऊंगी जब बेटे इसमें नहीं होने का। आलू इस बार ठीक से लग रहे, पहले से तो ठीक है, वाले नहीं है। अरे एक और थे आलू बहुत बढ़िया, मैंने इसमें मोटे मोटे प्याज डाल दिए बेटे, पराठे में बारीक डालते मैं बनने के नहीं। फिर क्या हुआ, ये नहीं खाने सैंडविच? नहीं खाने नहीं। ब्रेड तो मंगाई थी, ब्रेड किसने मंगाई थी फिर रात? कृष्णा। देखिए जी, कृष्णा तो सोया पड़ा है तनन रहा पूरा, और हल्की हल्की निकल गई है धूप। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, साफ सुथरा सा बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और सैर करने लोग जाते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, क्योंकि ये कॉलोनी ना सैर करने के मुताबिक देखे ना तो बहुत अच्छी, क्योंकि आगे जाके पहाड़ आ जाते हैं, हिल एरिया है, और यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरी ऑक्सीजन मिलती है। तो सैर करते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं इस साइड सैर करने के लिए। और यहाँ पे चौड़ी चौड़ी जो रोड है इनमें आराम से सैर कर सकते हैं, ना कोई गाड़ी ना ट्रैफिक, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये है आज का मौसम हमारे यहाँ पिंजौर का। ये पूरा फिल करना पड़ेगा इसमें बस क्या? अच्छा, ज़्यादा भरूंगी तो वो निकलना शुरू हो जाएगा साइडों में से, है ना? अब रख देना इसमें, पहले बटर लगाऊंगी नहीं तो चिपक जाए। चिपकता तो है नहीं वैसे। अच्छा, एक बार में दो ब्रेड सीख जाए ना। ऐसे करंट परंट भी आ सके भाई, इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब तक तो लगा नहीं है, गिल्ले गुल्ले हाथ से तो मैं ज्यादातर लगाती हूँ इसके। इधर से भी खुल रहा, रुक जाए, मोटे हैं ब्रेड ये ना। और ये देखिए जी, ये हमने मेरे ख्याल से इसकी तारीफ ज्यादा कर दी, और अभी आपने भी देखा होगा आवाज आई कड़क दी सी, ये टूट गया यहाँ से। और कैसा लोगे इसे, अब तक नहीं कोई दिक्कत आई थी? कृष्णा हुआ तब लिया था ये, चार पांच साल हो गए, साल हो जाएंगे पांच साल के बाद ये वरना तो अब तक इसका डब्बा क्या, अंदर का लिफाफा क्या, सब में जो के तो पैक कर का रखा। अब मैं तो भरती भी नहीं ज्यादा, ये पता ही नहीं, बस नजर लग गई इसके, टोक लग गई, टोक लग गई, तारीफ कर दी इसकी ज्यादा, कर दी ज्यादा इसने सोचा अच्छा चल चल तो रहा वैसा भी हो। To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity, along lies my happiness. Jai Hind. तो ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के सैंडविच हो गए हैं तैयार, और बच्चे हो गए हैं खुश। और अब मैं इनके लिए अनार काट देता हूँ, और फटाफट से बच्चों को करके तैयार इनको भेजते हैं। कुछ नहीं है तो बाद में कर लेंगे, तो फटाफट इनको तैयार जो भी है बाल बोल सेट करो इनके ना। तो जी, बच्चों का जो है लंच लग गया है, यहाँ पे हमने दे दिए हैं, ये है सैंडविच, अनार और संतरे, दोनों लंच हो गए हैं कंप्लीट। तो जी, दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, और टाइम 7:05 हो गए। अभी गाड़ी आने में है, मुझे लगे 5-4 मिनट। ठीक है, तो इतना वेट करो गाड़ी का, ये थोड़ी सी चहल कदमी कर लो, ये बैग में डाल लो बेटे, इन्हें हाथ में थोड़ा ही रखेगी।
और इधर पियू के डैडी बनाने लगे हैं एनर्जी ड्रिंक, जूस बना रहे हैं आज। ग्रीन टी है बस एक तरीके से। सारा घास फूसा इकट्ठा कर दिया आपने तो। ग्रीन टी या चाय कब से होगी? नहीं ये वैसे सूख रहे हैं, वैसे ठीक है, मैंने देख लिए। क्या क्या है इसमें? ये तो लौकी है, ये खीरा है, टमाटर है, चुकंदर है, आंवला है, पुदीना है, पुदीना धनिया, और ये करी पत्ते। और सब्जी तो नहीं रहेगी कुछ फ्रिज में? ये करी पत्ते, ये खाली वो लाई हुई तोड़ के मैं बेटा वाली आई मानो कह रही हूँ। सब्जी तो इसमें और भी कुछ पड़ी होगी, वो अभी मिला देते हैं। थोड़ी थोड़ी डाल के करियो, पानी डालना इसमें? हाँ थोड़ा थोड़ा ही करियो ना फिर भी। अच्छा खाने में मुश्किल हो रही है। ज्यादा ही खून सा, ज्यादा ही नहीं खून सा हो गया? नहीं, दो दो गिलास सीसी के लगे सुबह सुबह। पुदीने की आ रही बढ़िया लग रहा। अच्छा इसमें अब वो धोने की जरूरत भी नहीं है, मिक्सी वो धोने का काम अलग जुड़ जा। वो मिक्सी वाला तो पीऊ भी पी ले, ऐसा नहीं पीने की वा। फ्रेंड्स हो गए हैं हम तैयार, मुझे भी जाना है शॉप पे और बच्चे चले गए हैं कृष्णा को, बस सब छोड़ के फिर निकल लूंगा मैं ना। और चलते चलते काम याद आ गया है जी, जो हमने कणक धोली थी तो कणक लेके जानी है, अनाज लेके जाना है, आटा हो गया खत्म, थोड़ा सा इसको डाल देंगे, ज़्यादा तो पिसवाना नहीं, थोड़ा ही पिसवाना है। इतना तो काफ़ी रहेगा, अब यहाँ कितने एक लगता है हमारा, सांस चढ़ लिया इतने में ही। चल मेरे क्या आ रहा नहीं। यहाँ पे खाना जो है वो मैं कर रही हूँ रेडी। खाने में यहाँ पे मैंने बनाई है लौकी की सब्जी, साथ में इधर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और यहाँ पे सलाद काट दी है मैंने, और ये लगा दिया है आटा, और जो था बाकी का आटा वो सारा मैंने टंकी में शिफ्ट कर दिया, जिसमें मतलब डब्बे में ना मैंने आज उसमें ना चने मिलाए, वो लग रहा मैंने सोचा आपको मोटा पिसवा दिया, चने भी मिला दे मम्मी। अब वो घर की है तो खुद ही कर लो, जैसे भी हमें भी लेनी पड़ेगी मशीन। अपने घर में जाएंगे ना तो ये चीजें छोटी 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 सारी जोड़ेंगे। तो अब मैं बनाती हूँ रोटी, और इधर लग जाएगा खाना, और उधर दूध हो जाएगा गर्म साथ के साथ, तो लगा दू बस खाना, फिर लस्सी होती तो और अच्छा होता। कोई बात नहीं, चलिए जी करते हैं। था ना मगर दही जम जाएगी, दही जमी नहीं, क्या हुआ पता ही नहीं उसमें क्या हुआ, वो जम जाएगा किसी किसी दिन, लगता नहीं तुक्का सा। ये जो ज्यादा फैट वाला दूध आवे ना इसमें दिक्कत आवे। अरे ऐसे तो उस हिसाब से तो भैंस के दूध की भी जमाते हैं दही तो। तो ये भैंस का पाउडर का क्या पता कौन सा है। हाँ ये तो है। चलो मैं खाना लगा दूं फिर। We'll be right back.
खाना वगैरह खा लिया है और अब बारी आ जाती है किचन में बर्तन वगैरह साफ करने की और किचन को समेटने की। तो दूध तो मैं कर नहीं रही आज बच्चों के लिए, गर्म तो कर रही लेकिन बच्चे दूध मना कर रहे हैं कि मम्मा दूध नहीं पीते, तो इसीलिए तो यहाँ पे फटाफट से बस मैं किचन समेटती हूँ, अपना रात की जो क्लीनिंग है किचन की वो करती हूँ और उसको फिर ये बर्तन वगैरह जो है अपना पूरा किचन फटाफट से क्लीन करती हूँ मैं। वगैरह भी साफ करके रख दिए, अब बारी आ जाती है इस वाली सफाई की और टाइम 10:30 बज गए। आज पीयू के डैडी ना लेट आए क्योंकि दुकान पे कन्हैया भी नहीं है और जो विजय है उसको भी कहीं जाना था, उसको भी अपने घर जाना था, तो इसके डैडी उसको भी फिर वहाँ पे रेलवे स्टेशन ही तो गया विजय। हाँ रेलवे स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन बता रही, तो वहाँ पे छोड़ गए इसलिए फिर इनको आने में टाइम लग गया, तो क्योंकि कल का भी काम अपना थोड़ा सा समेट कर आना, तो मैं फटाफट से देखती हूँ ये वाली क्लीनिंग अपनी। और मैंने बिस्तरे वगैरह बिछा दिए और शाम मैंने ये कपड़े धोए थे, बच्चों की यूनिफॉर्म थी क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो जो थोड़े से यहाँ पर आए वो थोड़े मैंने फैला दिए थे, रात रात में ही सूख जाएंगे और सुबह को वो फैला दूँगी। तो बेडशीट वगैरह भी मैंने उतार दी थी तो वो भी धो दी थी, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर अंदर वाले बेड पर ये जुकाम की दवाई उनमें नहीं है बेटे, सूरत वालियों में। तो जी अब 10:30 से हो गए ऊपर, अब लेटेंगे और सुबह को फिर इनको जाना है स्कूल में। ये बेटा क्यों तू भी कपड़े चेंज कर ले, चलो चलो बाबू चलो, जींस में ही सोएगी और ठीक है, ऊपर लेटोगे नीचे? चलो फिर कोई नहीं, मैं तो नीचे लेट जाऊंगी। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।